देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में, सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। अब आपका यही गुस्सा आपको शादी करने नहीं देगा, कभी नहीं। ऐसा है बच्चा, खुशी का मौका है, सच आपके सामने रखना चाहता हूं। आपके आगे पूरा जिंदगी है ना, आपको जीना है। बात यह है, ध्रुव जो है ये हमारा बिटवा है, तो हम इसे आपसे बेहतर जानता हूं। हमें ऐसा लगता है कि ध्रुव और धानी का ये जो बीच में मनमुटाव चल रहा है, कि ध्रुव अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है और धानी को कुछ साबित करने की कोशिश कर रहा है। हमें ऐसा लगता है, देखिएगा हम गलत भी हो सकता हूं, लेकिन चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए और दो पाठन के बीच में साबुत बचाना कोए, अर्थात वो दो पाठन ध्रुव और धानी के बीच में आप पिस नहीं जाना। आपका जिंदगी खराब नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको सोच समझ के कदम उठाना है। पापा लेकिन सॉरी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप गलत समझते हैं। देखिए हम जानते हैं रूप जी हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि रूप जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो धानी की वजह से नहीं कर रहे, वो वाकई हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और पापा इसीलिए वो सब कुछ कर रहे हैं। और रही बात हमारी जिंदगी बर्बाद होने की, शादी का फैसला आप सब ने लिया था और इसीलिए आप सबकी खुशी के लिए हमें ये भी मंजूर है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। जजमान, परीक्षा की रस्म में लड़की नहीं आती, इसके लिए ये अंतरपट लगा दिया है। एक बार लड़के की परीक्षा हो जाए फिर लड़की के साथ में शगुन की रस्म शुरू करेंगे। सत्य वचन पंडित वाह, आप जो करेंगे वही फाइनल है। देखिए वैसे तो परीक्षा की रस्म लड़की वाले करते हैं, बाकी आप बताइए कौन करेगा। लड़की की माँ करेगी परीक्षा। लेकिन हम अकेले नहीं आए, लड़की की बहन आई है हमारे साथ। अब तो लग जाए थक से, अब क्या तमाशा करने आई हो यहाँ? आप इस परिवार का हिस्सा है और भरक्षा में आप भी शामिल होंगी।
आई, लेकिन ये लड़की जा नहीं रहेगी। हम क्यों नहीं रुक सकते? कल आपकी होने वाली बीवी हमारे घर आई थी न्योता देने, कह रही थी कि परिवार को आना होगा वरना शादी कैसे होगी। आपने बताया नहीं इन्हें? क्या यह सच है कि तुमने धानी को न्योता दिया था? कुछ पूछ रहे हैं तुम चांद? हाथ रुक जाए, हम क्या करते? हमारे घर वाले हैं, इनके अलावा हमारा कोई नहीं, लेकिन हमने सिर्फ मम्मी को बुलाया था, धानी को नहीं। ये तो ऐसे ही आ गए, सच कह रहे। सुन लिया तुमने, तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया था यहां पर। अब निकलो यहां से। हमारे यहाँ रहने से इतनी तकलीफ क्यों है आपको? आप कीजिए पूजा, हम यहीं खड़े खड़े देखेंगे, शादी ब्याह के काम में हाथ बटा लेंगे बस। वैसे आपके और हमारे बीच कभी प्यार तो था ना, इसी बहाने इस प्यार को खत्म तो करने दीजिए। अपनी नौटंकी बंद करो धानी, तुम इस परीक्षा का हिस्सा नहीं बनोगी, बात खत्म। ये लड़की नौटंकी किए बिना यहाँ से जाएगी नहीं, तमाशा करने की आदत पड़ गई है इसे। हमें पता है रूपा ये कैसे जाएगी, हम दोनों मिलकर इसे यहाँ से बाहर निकालते हैं। चल निकल यहाँ, चलो निकलो हमारे घर से। वादा है हमारा ध्रुव जी, अगले 10 मिनट में बरक्षा रोक के दिखाएंगे।